गाइस वेलकम बैक टू अल्टीमेट सक्सेस ऑनलाइन ट्यूटोरियल। सो गाइस आज के इस लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट वोकैब डिस्कस करने वाले हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एमबीए एंट्रेंस। गाइस आई सजेस्ट यू कि आप ये लेक्चर लास्ट तक देखना, आपकी वोकैब बहुत इंप्रूव हो जाएगी। देयर आर हाई चांसेस ऑफ गेटिंग दीज क्वेश्चंस इन एमबीए एंट्रेंस एज वेल एज इन गवर्नमेंट एग्जाम्स। तो आइए गाइस शुरू करते हैं आज का हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। सो गाइस आज का जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है अट्रोसिटी। अट्रोसिटी सिंपली मीन्स बिहेवियर और एन एक्शन दैट इज क्रूअल और ब्रूटल। ब्रूटल का मतलब होता है वॉयलेंट। क्रूअल एक्ट या क्रूअल बिहेवियर को बोलेंगे हम अट्रोसिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंसान क्रूअल वे में बिहेव करता है, बदतमीजी से बिहेव करता है, मारपीट करता है, तोड़फोड़ करता है, ऐसे क्रूअल बिहेवियर या क्रूअल एक्ट को बोलेंगे हम अट्रोसिटी। अभी कुछ टाइम पहले की न्यूज है, पंजाब में क्या हुआ, एक इंसान ने एक डॉग को शूट कर दिया, ऐसे क्रूअल एक्ट को बोलेंगे हम अट्रोसिटी। अट्रोसिटी सिंपली मीन्स क्रूअल एक्ट और बिहेवियर। अब इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल दोज हु कमिटेड दिस अट्रोसिटी शुड बी पनिश्ड। जिस किसी ने भी ये अट्रोसिटी कमिट की है, अट्रोसिटी का मतलब क्या होता है, क्रूअल एक्ट, जिस किसी ने भी ये क्रूअल एक्ट कमिट किया है उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। नेक्स्ट, दिस अट्रोसिटी हैज क्रिएटेड अ ह्यूज गल्फ बिटवीन द टू ग्रुप्स। दिस अट्रोसिटी, अट्रोसिटी का मतलब क्या होता है, क्रूअल बिहेवियर और क्रूअल एक्ट। सो गाइस आज का जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है अबैंडन। अबैंडन का मतलब होता है टू लीव अ प्लेस, थिंग और पर्सन यूजली फॉर एवर। किसी चीज या किसी प्लेस को हमेशा के लिए छोड़ देना या किसी इंसान को हमेशा के लिए छोड़ देना। फॉर एग्जाम्पल मैंने दारू पीना हमेशा के लिए छोड़ दिया, उसको बोलेंगे हम अबैंडन। मैंने अपना घर हमेशा के लिए छोड़ दिया, उसको बोलेंगे हम अबैंडन। किसी चीज को हमेशा के लिए छोड़ देना। अब हम इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल द बेबी वॉज अबैंडन्ड बाय हिज मदर। बेबी वॉज अबैंडन्ड दैट मीन्स माँ ने अपने बेबी को हमेशा के लिए छोड़ दिया। अबैंडन का मतलब क्या होता है, हमेशा के लिए छोड़ देना। नेक्स्ट, द व्हीकल हैड बीन अबैंडन्ड ऑन द साइड ऑफ द रोड। व्हीकल हैड बीन अबैंडन्ड मतलब एक व्हीकल को हमेशा के लिए किसी ने छोड़ दिया रोड के साइड में। अबैंडन का मतलब होता है किसी चीज को हमेशा के लिए छोड़ देना। सो गाइस आज का जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है अब्रीविएट। अब्रीविएट सिंपली मीन्स टू मेक समथिंग शॉर्टर, किसी चीज को छोटा कर देना, शॉर्ट में कर देना। फॉर एग्जाम्पल जब हम व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज लिखते हैं तब हम वहां पे बड़ी बड़ी स्पेलिंग नहीं लिखते हैं, हम वो स्पेलिंग्स को शॉर्ट में करके लिखते हैं, छोटा करके लिखते हैं, उसको बोलेंगे हम अब्रीविएट, किसी चीज को छोटा कर देना, शॉर्ट कर देना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं एक बहुत बड़ी स्टोरी को शॉर्ट में लिख रही हूं, उसको बोलेंगे हम अब्रीविएट, किसी चीज को शॉर्ट कर देना, छोटा कर देना। अब हम इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल एन अब्रीविएटेड वर्जन ऑफ द स्टोरी। अब्रीविएटेड वर्जन दैट मीन्स शॉर्ट वर्जन। अब्रीविएट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को छोटा कर देना, शॉर्ट कर देना। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू अवॉइड कंफ्यूजन आई नेवर अब्रीविएट माय नेम इन माय सिग्नेचर। आई नेवर अब्रीविएट माय नेम मतलब मैं कभी भी अपने नाम को छोटा करके नहीं लिखती हूं सिग्नेचर में। अब्रीविएट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को छोटा कर देना, शॉर्ट कर देना। अगर कोई बहुत बड़ी स्पेलिंग है उसको शॉर्ट में लिखना, उसको बोलेंगे हम अब्रीविएट। सो गाइस आज का जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है एबडिकेट। एबडिकेट सिंपली मीन्स टू गिव समथिंग अप, स्पेशली पावर और पोजिशन। एबडिकेट सिंपली मीन्स अपना पद त्याग देना, अपनी पोजिशन से रिजाइन कर देना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी कंपनी की एचआर हूं और मैं अपना पद त्याग रही हूं, मैं अपनी पोजीशन से रिजाइन कर रही हूं, उसको बोलेंगे हम एबडिकेट। नेक्स्ट एग्जांपल,
कोई मंत्री है और वो अपना पद त्याग रहा है, वो अपनी पोजीशन से रिजाइन कर रहा है, उसको बोलेंगे हम एबडिकेट। एबडिकेट का मतलब क्या होता है? अपना पद त्याग देना, अपनी पोजीशन से रिजाइन कर देना। अब हम इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, द किंग डिसाइडेड टू एबडिकेट इन फेवर ऑफ हिज सन। किंग डिसाइडेड टू एबडिकेट, किंग ने ये डिसाइड किया कि वो अपना पद त्याग देगा। एबडिकेट का मतलब क्या होता है? अपना पद त्याग देना, अपनी पोजीशन से रिजाइन कर देना। सो गाइस, आज का जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है अडैमेंट। अडैमेंट सिंपली मीन्स अनविलिंग टू चेंज एन ओपिनियन और डिसीजन। अडैमेंट का मतलब होता है अड़ियल इंसान, जो हमेशा अपनी बात पे अड़ा रहता है। एक ऐसा इंसान जो कभी अपना डिसीजन या ओपिनियन चेंज नहीं करता, हमेशा अपने ओपिनियन में अड़ा रहता है, ऐसे इंसान को बोलेंगे हम अडैमेंट। फॉर एग्जाम्पल, मेरी फैमिली में मेरे डैड अडैमेंट है, वो हमेशा अपनी बात पे अड़े रहते हैं, कभी भी अपना डिसीजन चेंज नहीं करते हैं। उनको लगता है कि वो जो डिसीजन लेते हैं और उनका ओपिनियन हमेशा सही होता है, ऐसे लोगों को बोलेंगे हम अडैमेंट, जो हमेशा अपनी बात पे अड़े रहते हैं। अब हम इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, द प्राइम मिनिस्टर इज अडैमेंट दैट ही विल नॉट रिजाइन। द प्राइम मिनिस्टर इज अडैमेंट, दैट मीन्स प्राइम मिनिस्टर अपने डिसीजन पे अड़ा हुआ है कि वो रिजाइन नहीं करेगा। अडैमेंट का मतलब क्या होता है? किसी चीज पे अड़े रहना। जो इंसान कभी अपना डिसीजन चेंज नहीं करता है, ऐसे इंसान को बोलेंगे हम अडैमेंट। नेक्स्ट, राहुल वॉज अडैमेंट ऑन हिज डिसीजन दैट ही विल नॉट से सॉरी। राहुल वॉज अडैमेंट, दैट मीन्स राहुल अपने डिसीजन पे अड़ा हुआ था। अडैमेंट का मतलब क्या होता है? हमेशा अड़े रहना, अपना ओपिनियन और डिसीजन कभी चेंज नहीं करना, ऐसे इंसान को बोलेंगे हम अडैमेंट। सो गाइस, आज का जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है अबेट। अबेट सिंपली मीन्स टू बिकम लेस इन साइज, अमाउंट और वैल्यू। कोई भी चीज कम हो जाना। फॉर एग्जाम्पल, पेट्रोल प्राइसेस बिगैन टू अबेट। पेट्रोल की प्राइसेस कम होने लग गए। अबेट का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज कम हो जाना। नेक्स्ट, जब बारिश कम हो जाएगी ना, फिर चलेंगे हम घूमने, उसको बोलेंगे हम अबेट। जब बारिश कम हो जाएगी, कोई चीज कम हो जाना, उसको बोलेंगे हम अबेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मेरे जो पैर का दर्द है ना, वो अभी कम हो गया है, उसको बोलेंगे हम अबेट। कोई भी चीज कम हो जाना। अब हम इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, टेकिंग पेन किलर्स कैन कॉज हेडेक्स टू अबेट। पेन किलर लेने से हेडेक कम हो जाएगा। अबेट का मतलब क्या होता है? कम हो जाना। नेक्स्ट, ग्रेजुअली द फियर बिगैन टू अबेट। द फियर बिगैन टू अबेट, फियर कम होने लग गया। अबेट का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज कम हो जाना। अबेट सिंपली मीन्स कोई चीज कम हो जाना। सो गाइस, आज का जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है अपैथी। अपैथी सिंपली मीन्स द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन और एंथुसियास्टिक अबाउट एनीथिंग। अपैथी सिंपली मीन्स लैक ऑफ इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, क्लास में आपने देखा होगा ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जिनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है मैम क्या पढ़ा रही है, दे आर लीस्ट इंटरेस्टेड, वो हमेशा सोते ही रहते हैं, उसको बोलेंगे हम अपैथी, लैक ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वोटिंग के टाइम पे आपने देखा होगा ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो वोट देने जाते ही नहीं है, बिकॉज दे आर लीस्ट इंटरेस्टेड, उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता वोटिंग से, उसको बोलेंगे हम अपैथी, लैक ऑफ इंटरेस्ट, किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं दिखाना। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरी बहन मुझसे कुछ बातें शेयर कर रही थी, बट मैं बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं थी, मैंने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया, उसको बोलेंगे हम अपैथी, लैक ऑफ इंटरेस्ट। अब हम इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, द कैंपेन फेल्ड बिकॉज ऑफ पब्लिक अपैथी। बिकॉज ऑफ पब्लिक अपैथी, कैंपेन फेल हो गई अपैथी की वजह से, पब्लिक अपैथी की वजह से। अपैथी का मतलब क्या होता है? लैक ऑफ इंटरेस्ट, लोगों को कुछ इंटरेस्ट ही नहीं था, कैंपेन में कोई गया ही नहीं,
अपैथी का मतलब क्या होता है? लैक ऑफ इंटरेस्ट, किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं दिखाना। सो गाइस, आज का जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है अवेरिशियस। अवेरिशियस का मतलब क्या होता है? ग्रीडी और इल्स हैविंग एन एक्सट्रीम डिजायर फॉर वेल्थ। लालची लोगों को बोलेंगे हम अवेरिशियस। आपने बहुत लोगों को बोलते हुए सुना होगा, ये एक नंबर की लालची औरत है, उसको बोलेंगे हम अवेरिशियस। जो लोग पैसों के लिए बहुत ज़्यादा लालची होते हैं, जो लोग प्रॉपर्टी के लिए बहुत ज़्यादा लालची होते हैं, ऐसे लोगों को हम बोलेंगे अवेरिशियस। जिन लोगों के अंदर किसी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा लालच होता है उसको बोलेंगे हम अवेरिशियस। अब हम इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, ही सैक्रिफाइस्ड हिज ओन करियर सो दैट हिज अवेरिशियस ब्रदर कुड सक्सीड। उसने अपनी अपने करियर को सैक्रिफाइस कर दिया अपने लालची ब्रदर के लिए, ताकि उसका लालची ब्रदर को सक्सेस मिले। अवेरिशियस का मतलब क्या होता है? लालची, ग्रीडी। नेक्स्ट, शी टर्न्ड आउट टू बी क्राफ्टी एंड अवेरिशियस पॉलिटिशियन। शी टर्न्ड आउट टू बी क्राफ्टी एंड अवेरिशियस पॉलिटिशियन। अवेरिशियस पॉलिटिशियन का मतलब क्या होता है? वो एक नंबर की लालची पॉलिटिशियन निकली, ग्रीडी। अवेरिशियस का मतलब क्या होता है? लालची। सो गाइस, आज का जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है अब्रप्ट। अब्रप्ट सिंपली मीन्स सडन एंड अनएक्सपेक्टेड। कोई भी चीज अचानक से हो जाना। फॉर एग्जाम्पल, हम कभी कभी बोलते हैं ना, ये बिन मौसम बारिश क्यों आ रही है, ये अचानक से बारिश क्यों आ रही है, उसको बोलेंगे हम अब्रप्ट। कोई चीज अचानक से हो जाना, सडनली हो जाना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आपने बहुत लोगों को बोलते हुए सुना होगा या कोई मूवी में सुना होगा, वो लड़की अचानक से पार्टी से चली गई गुस्से में, अचानक से चली गई, सडनली चली गई, अनएक्सपेक्टेड वे में चली गई, उसको बोलेंगे हम अब्रप्ट। अब्रप्ट का मतलब क्या होता है? सडन एंड अनएक्सपेक्टेड। कोई चीज अचानक से हो जाना, अनएक्सपेक्टेड वे में हो जाना, उसको बोलेंगे हम अब्रप्ट। अब इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, एन अब्रप्ट चेंज इन द वेदर। अब्रप्ट चेंज मतलब सडन चेंज। अब्रप्ट का मतलब क्या होता है? सडन एंड अनएक्सपेक्टेड, अचानक से कोई चीज हो जाना। नेक्स्ट, द पार्टी केम टू एन अब्रप्ट एंड व्हेन द पेरेंट्स ऑफ आवर होस्ट अराइव्ड। पार्टी केम टू एन अब्रप्ट एंड, दैट मीन्स अब्रप्ट एंड का मतलब क्या होता है? सडन एंड, अनएक्सपेक्टेड एंड। अब्रप्ट सिंपली मीन्स कोई चीज अचानक से हो जाना, सडनली हो जाना। सो गाइस, आज का जो हमारा लास्ट एग्जाम्पल है वो है अफ्लुएंट। अफ्लुएंट सिंपली मीन्स हैविंग एन अबंडेंस ऑफ वेल्थ और प्रॉपर्टी, और इस हम इसको रिच भी बोल सकते हैं। अफ्लुएंट सिंपली मीन्स जिस इंसान के पास बहुत ज्यादा पैसा है, जिस इंसान के पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है, उसको बोलेंगे हम अफ्लुएंट। जो बहुत ज्यादा रिच है उसको बोलेंगे हम अफ्लुएंट। अब हम इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज बॉर्न इन टू एन अफ्लुएंट फैमिली। वो एक रिच फैमिली में पैदा हुआ था। अफ्लुएंट फैमिली का मतलब क्या होता है? रिच फैमिली, बहुत ज्यादा अमीर फैमिली। अफ्लुएंट सिंपली मीन्स जो जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा, जिसके पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी हो, उसको बोलेंगे हम अफ्लुएंट। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट हम जब भी हमारा न्यू वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। एंड प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस लेक्चर, प्लीज ड्रॉप मी अ टेक्स्ट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। Thank you.